सुंदर फिर आप देख रहे हैं बॉलीवुड मसाला। हाथों में हाथ डाले पद्मावत की स्क्रीनिंग में पहुंचे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, तो वहीं शाहिद और उनकी वाइफ मीरा भी पहुंची और भी काफी सारे पद्मावत की स्क्रीनिंग में पहुंचे, लेकिन हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको हमारा ये शो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए देखते हैं ये बॉलीवुड न्यूज। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस मौके पर फिल्म के सभी लीडिंग स्टार कास्ट मौजूद थे। इन तस्वीरों में खास बात ये रही कि लव बर्ड्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हाथों में हाथ डाले नजर आए। गौर करने वाली बात यह है कि तमाम शोर शराबे, हंगामे, विरोध और नाम बदलने के बाद पद्मावत इस शुक्रवार 25 जनवरी की रिलीज को तैयार है, लेकिन वहीं स्क्रीनिंग के मौके पर रणवीर और दीपिका ने सबका ध्यान भी खींचा। आप देख सकते हैं कि दीपिका और रणवीर का ये अंदाज एक दूसरे का हाथ थामे दोनों कितने कॉन्फिडेंस से चल रहे थे। आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्क्रीनिंग के लिए एक ही कार में पहुंचे थे। दोनों की मुस्कान बता रही है कि उन्हें भी इस मौके का कब से इंतजार था, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट एक बार टल भी चुकी है। इसके बाद भी फिल्म में महरवाल रतन सिंह का महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले शाहिद कपूर भी इस मौके पर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ मौजूद थे। शाहिद कपूर का पूरा परिवार भी इस स्क्रीनिंग के दौरान उनके अभिनय को देखने पहुंचा। भाई ईशान खट्टर और मॉम नीलिया अजीम ही नहीं, पापा पंकज कपूर भी इस मौके पर देखे गए। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर अपने छी परिचित अंदाज में दिखे। अब तो फिल्म के अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आने लगे हैं। जाहिर है कि भंसाली अब बेहद खुश और संतुष्ट होंगे। हम आपके लिए ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा आपको हमारा ये शो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए आरआईएफ 24 न्यूज़।